प्रोडक्ट अच्छा लगे, इसका रिजल्ट। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आपको रिजल्ट सच में इसका अच्छा लगे ना, तो आप जरूर से जरूर इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके अपना प्रोडक्ट जरूर शेयर कीजिए। आपने जो भी इसमें एक्सपेरिमेंट या फिर जो भी आप इस प्रोडक्ट को बनाने वाले, जो भी बोल्ड पर इसको ट्राई करने वाले हैं, तो मैं बता देती हूँ कि आज जो भी मटेरियल हमें इस प्रोडक्ट के लिए जरूरत पड़ने वाली है, ताकि अगर आपके पास ना हो सबसे पहले मैं इस मोल्ड पर गोल्डन मार्कर की हेल्प से कुछ स्केल्स डिजाइन कर लूंगी। यह होलोग्राफिक ग्लिटर्स, ये भी मैं इस मोल्ड पर थोड़ा सा यूज करूंगी। और आप देख सकते हो मैंने क्लियर रेजिन यूज किया है इसमें, मैंने रेजिन में कुछ भी मिक्स नहीं किया है। और जो दूसरा मोल्ड है उसमें मैं सिंपल रेजिन को पोर करूंगी, इसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीज अलग से ऐड नहीं कर रही हूँ।
और इसे अब हम क्योर होने के लिए रख देंगे। अब आप देख सकते हो मैंने एक एक करके इन पीसेस को होलोग्राफिक सीट पर स्टिक कर दिया है। मैंने बताया था ये जो होलोग्राफिक सीट है एक तरफ से स्टिकी है। ये एक थर्ड पीस है स्कल का जो मैं वीडियो में कास्ट करना भूल गई थी, क्योंकि मुझे लास्ट में लगा कि ये पीस पर भी मुझे एक होलोग्राफिक इफेक्ट ट्राई करना चाहिए। और अब बहुत ध्यान से इवन नाइफ या फिर सीजर्स की हेल्प से मैं इन होलोग्राफिक सीट को काट लेती हूँ मोल्ड के साइज के अकॉर्डिंग। ये देखिए इस पे होलोग्राफिक सीट मैंने स्टिक कर दी है पीछे, और ये देखिए कितना अलग लग रहा है ये। एक्चुअली ये जो है ना विथाउट ये सिर्फ पीछे होलोग्राफिक सीट स्टिक है, पर इनमें मैंने और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। और अब ये है थर्ड पार्ट, मैं हर एक के पीछे कुछ अलग अलग ट्राई करूंगी। जैसे ये स्कल है इस पर मैंने ब्लैक कलर का माइका पाउडर मैंने ब्लैक कलर का माइका पाउडर यूज किया है इसमें रेजिन के साथ, ताकि मैं नहीं चाहती इस पे कोई ट्रांसपेरेंट इफेक्ट रहे, ये कंप्लीटली ट्रांसलूसेंट हो जाएगा इस तरह। पर मैं कोई ज्यादा बड़ा लेयर इस पे यूज नहीं करी, मैं बहुत ही थिन लेयर इस पर लास्ट में ब्लैक कलर का रेजिन का ब्लैक कलर का थिन बहुत थिन लेयर यूज करूंगी बस, ताकि मेरी जो होलोग्राफिक सीट है वो कम्प्लीटली इसमें प्रिजर्व हो जाए, कभी ये ना हो कि वो अलग से निकल जाए। और ये जो दूसरी फिस्टेल वाला पीस था इस पर मैं सिंपली ट्रांसपेरेंट रेजिन ही डाल रही हूँ, इस पर मैं कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ मिक्स नहीं कर रही हूँ रेजिन में, ये सिंपल ट्रांसपेरेंट रेजिन है। एक रीजन इस पर रेजिन पोर करने का ये भी है ताकि मेरी होलोग्राफिक सीट जो मैंने पीछे इस पर यूज की है वो प्रिजर्व हो जाए, ना कि वो कभी किसी गलती से निकलने की चांसेस हो।
और ये जो थर्ड वाला पीस है इस पे मैं ट्रांसपेरेंट अल्कोहलिक यूज कर रही हूँ, जो है आई थिंक सो फायर रेड कलर का। तो आप नोटिस करोगे कि मैंने तीनों पीसेस पे तीन डिफरेंट टाइप का रेजिन यूज किया है बैक में। एक है जो कम्प्लीटली ट्रांसलूसेंट था माइका पाउडर यूज करके ब्लैक कलर का, सेकेंड ट्रांसपेरेंट सिंपल रेजिन यूज किया, और ये थर्ड इसमें मैंने फायर फ्लाई कलर का अल्कोहल इंक यूज किया है रेजिन में। और ये बात और जो भी और सारे तीनों पीसेस में मैंने सिंपल एक लेयर यूज किया है रेजिन का, मैंने ज्यादा बड़ा कोटिंग नहीं की है, मैंने सिंपली बस इसलिए इस पर रेजिन का कोट किया है ताकि मेरी जो होलोग्राफिक सीट है वो प्रिजर्व हो जाए। इसीलिए मैं आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से कंप्लीटली इसे और इन सब में रेजिन पोर करने के बाद मैं फिर से इन्हें रेजिन को कास्ट होने के लिए रख देती हूँ। आई थिंक उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही थिन लेयर का रेजिन है इस पर। तो अब ये है रिजल्ट्स। ये पहला पीस है जिसमें मैंने फायरफ्लाई कलर का ट्रांसपेरेंट इफेक्ट यूज किया था, है ना, ये अमेजिंग। ये सेकंड है, आप दोनों वीडियो में इसे कंपेयर कर सकते हो, जिसमें मैंने ब्लैक कलर यूज किया है और बिना ब्लैक कलर का होलोग्राफिक है। और थर्ड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट अल्कोहलिक ट्रांसपेरेंट रेजिन यूज किया गया है बैक में। देखिए इसमें पूरा होलोग्राफिक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्राई करो ना, प्लीज आप होलोग्राफिक सीट यूज करो। देखिए कितना अमेजिंग और यूनिक सा इफेक्ट आएगा इसमें। आपको बहुत सारे माइका पाउडर यूज करने की जरूरत नहीं है इतने कलर इफेक्ट देने के लिए। सिंपल आप वैरायटी के होलोग्राफिक सीट यूज करो और अपने प्रोजेक्ट को रेजिन के अनदर लेवल पे ले जा सकते हो।